हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे मेयर्स ऑफ एंगल। जो बेटा आपने एंगल छोटी क्लास में कंसेप्ट पढ़ा है, किसी भी एंगल को हम दो तरीकों से माप सकते हैं, मेयर कर सकते हैं। दो इसके मेयर्स होते हैं, डिग्री एंड रेडियन मेयर ऑफ एन एंगल। ठीक है जी, डिग्री के बारे में तो आप लोगों ने सब छोटी क्लास में पढ़ा ही हुआ है, तो रेडियन मेयर हमारे पास नया कंसेप्ट है। प्लस वन, हमारे पास दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक होता है सेक्साजेसिमल सिस्टम, एक होता है सर्कुलर सिस्टम। इन सेक्साजेसिमल सिस्टम जो वन राइट एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, हमको सबको पता है वन राइट एंगल 90 डिग्री के इक्वल होता है। अब ये जो 90 डिग्री है, डिग्री को हमने आगे छोटी कैटेगरीज में डिवाइड करना, जैसे एक किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है जी, आगे 1 ग्राम में 100 मिलीग्राम होते हैं, तो सो ऑन, इस तरह आप आगे से आगे ब्रेक कर सकते हो। तो 1 डिग्री में जो होते हैं 60 मिनट्स, इसको 60 डैश लिखते हैं, और जो 1 मिनट होता है उसमें 60 सेकेंड्स होते हैं, इसको 60 डबल डैश बोलते हैं। ये तो है हमारा सेक्साजेसिमल सिस्टम, जिसमें हमारे पास डिग्री, मिनट और सेकेंड होंगे। अगर हमारे पास सर्कुलर सिस्टम है, देन यूनिट ऑफ मेयरिंग एन एंगल इज रेडियन। तो किसी भी एंगल को जब हमने मेयर करना है, वो रेडियंस में मेयर करेंगे। रेडियन इज डिफाइंड एज एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। यानी कि जो रेडियन एंगल है, इसका कंसेप्ट सर्कल से लिया गया है। अगर एक सर्कल में आर्क है, दिस इज अवर आर्क ए बी, ये जो आर्क है ये जो सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रही है, दैट एंगल शुड बी इन रेडियंस। तो ये इनमें एक रिलेशनशिप भी होता है। अगर ये आर हमारी, दिस इज, अगर आर इज अ रेडियस एंड एल इज अ लेंथ ऑफ द आर्क, ओके जी, तो रेडियस हमारी ये है बेटा, दिस इज आल्सो आर, ओके, दिस इज अ लेंथ ऑफ आर्क। तो इन तीनों में रिलेशनशिप होता है, ये हमारा एंगल थीटा होता है, और ये जो एंगल सर्कल में होता है हमेशा रेडियंस में होता है। इनमें रिलेशनशिप होता है थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। अगर आपको सर्कल वाला प्रॉब्लम करना है, जिसमें सर्कल के क्वेश्चन में रेडियस दिया है, लेंथ ऑफ आर्क दिया है और एंगल दिया है, तो थीटा निकालने का फार्मूला है एल अपॉन आर। एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पे जो एंगल होता है वो रेडियंस में होता है, डिग्री में नहीं होता। ठीक है जी, आगे हमारे पास, अब आपको पता लग गया कि दो तरीके से एंगल हो सकता है, या तो डिग्री में होएगा या रेडियंस में होएगा। अब इनमें क्या होता है, रिलेशनशिप क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। जो पाई रेडियंस होते हैं 180 डिग्री के इक्वल होते हैं, यानी कि अगर आप वन राइट एंगल होता है 90 डिग्री, ठीक है जी, उसको डबल कर दो, टू राइट एंगल्स किसके इक्वल होंगे, पाई रेडियंस और 180 डिग्री के इक्वल। अगर मुझे 1 रेडियन निकालना है तो 180 डिग्री अपॉन पाई हो जाएगा, ओके जी। तो यहाँ पे इसको पूरा सिंप्लीफाई करने के लिए आप वैल्यू ऑफ पाई यूज कर सकते हो, 22/7, ठीक है जी, क्योंकि जो रेडियंस का आंसर है वो एक नंबर्स में आएगा, उसमें डिग्री नहीं लिखने। अब हमारे पास है कन्वर्शन टेक्निक। अगर पेपर में हमें क्वेश्चन में डिग्री मेयर दिया है तो आप उसको रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो, अगर हमें रेडियन मेयर दिया है तो आप डिग्री मेयर कन्वर्ट कर सकते हो। यानी कि क्वेश्चन में जो सा मेयर आपको दिया है उसको दूसरे मेयर में लेके जा सकते हो। अगर आपको रेडियन मेयर निकालना है, उसका फार्मूला है पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई डिग्री मेयर, ओके जी। अगर आपको डिग्री मेयर निकालना है तो फार्मूला है 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन मेयर, ठीक है जी। तो इसमें क्वेश्चन कैसे करने हैं देखते हैं, ये फार्मूले नोट कर लीजिए, रेडियन मेयर इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेयर। एक बात ध्यान रखनी, जब आपने रेडियन मेयर निकालना है तो पाई की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं, पाई को पाई ही रखना है, पर जब आपने डिग्री मेयर निकालना है तो वहाँ पे पाई की वैल्यू आपने 22/7 यूज़ करनी है, ये आपने ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन देखिए कैसे करने हैं, लुक एट द प्रॉब्लम, कन्वर्ट द एंगल 40 डिग्री 20 मिनट्स इंटू रेडियन मेयर्स। तो पहले ये हमारा एंगल है, इसको लिखिए 40 डिग्री 20 मिनट्स, क्योंकि मुझे अब डिग्री से रेडियन में जाना है, तो पहले मैं इसको पूरे को डिग्री में कन्वर्ट करूँगा, क्योंकि यहाँ पे मिनट्स आ रहा है, इसका स्मॉलर यूनिट आ रहा है। तो इसको लिखिए 40 डिग्री + 20 मिनट्स। अभी आपको बताया गया था कि 1 मिनट जो होता है, दैट इज 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट्स, ठीक है जी। तो मुझे अब स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट जाना है, यानी कि मिनट से बनानी है डिग्री। तो जब भी स्मॉलर यूनिट से बड़े यूनिट में जाना हो तो डिवाइड करना होता है, तो इसको 20 को 60 से डिवाइड कर लो, ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, 0 से 0, ये 1/3 आ गया। इन दोनों को इकट्ठा कर लिया ब्रैकेट में, इसको एलसीएम लेके ये हो गया 120 + 1 120 1/3 डिग्री आ गया। अब जो आपका ये एंगल है ये पूरा डिग्री में चला गया। अब मुझे निकालना क्या, रेडियन मेयर। तो पीछे मैंने फार्मूला बताया, रेडियन मेयर का फार्मूला है पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेयर, ठीक है जी। डिग्री मेयर मेरा कितना, 121/3, तो यहाँ पे आप कैंसिल कर सकते हो,
ये कैंसिल नहीं होगा, ये 3 के टेबल पे जाएगा, तो आपका आंसर आ गया। मैंने आपको यही बात बतानी है कि रेडियन मैयर जब आपने निकालना है तो पाई की वैल्यू नहीं पुट करनी, पाई को एज इट इज लेके चलना है, ठीक है जी। क्वेश्चन था डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कीजिए, अगर यहाँ पे मिनट आ जाता है तो आप उसको 60 से डिवाइड कीजिए तो वो आपका डिग्री में कन्वर्ट आ जाएगा। अगर यहाँ पे सेकंड्स होते साथ में, अगर ऐसे हो जाता मान लो 15 सेकंड्स ही होते, तो 15 सेकंड्स को पहले 60 से डिवाइड करोगे वो 15 मिनट बनेंगे ऐसे, ठीक है जी। फिर दोबारा फिर 60 से डिवाइड करोगे फिर वो आपका डिग्री बनेगा। तो क्योंकि हमने छोटे से बड़े यूनिट में जा रहे हैं, ये ध्यान रखना आपने। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कन्वर्ट 6 रेडियंस इनटू डिग्री मेयर। अब मेरा ये क्या है, एंगल, एंगल कितना दिया उसने 6 रेडियंस, ओके जी। अब मुझे निकालना डिग्री मेयर, तो डिग्री मेयर का फार्मूला है 180 अपॉन पाई इनटू रेडियन मेयर, उल्टा हो जाता है। अगर रेडियन मेयर निकालना तो पाई ऊपर आएगा, अगर डिग्री मेयर निकालना तो 180 ऊपर आएगा, 180 अपॉन पाई इनटू रेडियन मेयर। रेडियन मेयर कितना मेरा 6, तो 6 इनटू 180 कर सकते हो, पर इसने अभी सॉल्व करना शुरू किया, अभी मैंने आपको बताया। अब डिग्री मेयर निकालना तो यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट कीजिए, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, ठीक है जी। ये 2 से कैंसिल होकर 90 आ जाएगा, नीचे 11 बन गया, मल्टीप्लाई करके इतना आ गया। अब ये जो आपके पास एंगल आया डिग्री मेयर में है, इसको पूरा पूरा सॉल्व करना है आपने, कैसे करेंगे, डिवाइड करना आप लोगों को आता है। 3780 को 11 से डिवाइड किया, पहले 3 पे जाएगा, 4 बच गया, 48 4 पे जाएगा, 4 बच गया, 43 पे जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन आ गया। जो ये मेरा निकल के आया है इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है आपने। कैसे लिखते थे मिक्स्ड फ्रैक्शन में, क्वेश्चन रिमाइंडर ओवर डिनोमिनेटर। तो क्वेश्चन मेरा 343 है, रिमाइंडर मेरा 7 है, 11 मेरा डिवाइजर है, तो ये पूरा डिग्री में चला गया। इसको दो हिस्सों में तोड़िए, 343 डिग्री प्लस 7/11 डिग्री, ये जो फ्रैक्शन आया है इस फ्रैक्शन को आपने मिनट्स में ले जाना है। हमें पता है 1 डिग्री में कितना होता है 60 मिनट, तो ये जो डिग्री वाला फ्रैक्शन वाला पार्ट इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 420 हो गया, 420/11 आ गया। अब ये मिनट्स में कन्वर्ट हो गया, अभी भी फ्रैक्शन में आ रहा है, तो इसको रफ में डिवाइड कीजिए 420/11 को। तो पहले ये 3 पे जाएगा, 3 के टेबल पे, 11 3 33, यहाँ पे आपका 9 रिमाइंडर आ गया 82, तो ये 38/2 बन गया। तो इसका क्या बनेगा मिक्स फ्रैक्शन, 38 क्वेश्चन रिमाइंडर ओवर डिनोमिनेटर। इसको दो हिस्सों में ब्रेक कीजिए, 38 मिनट्स प्लस 2/11 मिनट्स, जो 2/11 मिनट्स हैं, तो 1 मिनट जो होता है वो 60 सेकंड्स के इक्वल होता है, तो उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो फ्रैक्शन पार्ट को, तो उसके ऊपर सेकंड का सिंपल आ गया, ये हो गया आपका 120/11। अब लास्ट में आपने इसको पूरा डेसिमल में ले जाना है, तो 120 को 11 से डिवाइड करोगे तो 10.9 आ जाएगा। तो उसको तो इस तरह हो गया, पहला ये डिग्री में मेयर हो गया, ये मिनट्स में हो गया, और ये लास्ट वाला आपका सेकंड में हो गया। जब आपने डिग्री में कन्वर्ट करना है तब आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे पाई की वैल्यू यूज़ होएगी। जब पाई की वैल्यू यूज़ होएगी तो उसको फ्रैक्शन में आपका आंसर आएगा, फ्रैक्शन को क्वेश्चन रिमाइंडर में तोड़ना है, जो फ्रैक्शन वाला पार्ट उसको 60 से मल्टीप्लाई करना है वो मिनट्स में चल जाएगा, फिर जो मिनट्स वाला पार्ट आएगा उसको फिर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके मिक्स्ड फ्रैक्शन में बनाना है, और जो उसका फ्रैक्शन बचेगा उसको फिर 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो ये ध्यान से करनी है, ये एग्जांपल्स आपको काफ़ी मिल जाएंगे बुक्स में करने के लिए, ठीक है जी। आगे कुछ और क्वेश्चन करते हैं इसी के रिलेटेड। प्रॉब्लम देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ एन सर्कल रेडियस 10 सेंटीमीटर विच सबटेंड एन एंगल 45 डिग्री एट सेंटर। अब ये क्वेश्चन सर्कल का आ गया, तो सर्कल बनाइए, लेंथ ऑफ आर्क निकालनी, ये हमारी आर्क है जो सर्कल के सेंटर पे 45 डिग्री का एंगल बना रही है, रेडियस इसकी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो एंगल है 45 डिग्री है, और मैंने आपको पीछे बताया था कि सर्कल में जो एंगल होता है वो हमेशा रेडियन में होता है, सर्कल का जो भी क्वेश्चन है उसमें एंगल आपका रेडियंस में होना चाहिए। यहाँ पे डिग्री में दिया है, तो डिग्री को आपने कन्वर्ट करना रेडियन में, तो रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीका होता है पाई अपॉन 180। अगर देखो रेडियन शब्द यूज कर रहा है, रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई ऊपर आएगा, 180 नीचे आएगा 180। अगर आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है डिग्री, तो 180 डिग्री ऊपर आएगा, पाई नीचे आएगा, ओके जी। तो इसका इसे कैंसिल कीजिए, 45 4 180, तो ये रेडियंस में एंगल आ गया। और आपको बताया था मैंने सर्कल में जो रिलेशनशिप होता है लेंथ ऑफ आर रेडियस और थीटा में होता है, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, मुझे निकालनी है एल, तो ऊपर जाके ये बन जाएगा आपका एल इज इक्वल टू आर थीटा, हेयर आर इज 10 सेंटीमीटर एंड थीटा इज 5/4, तो यू कैन कैंसिल हेयर, तो 5/2 सेंटीमीटर आ गया, क्योंकि लेंथ है इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो, ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी तरह हमारे पास है, इन अ सर्कल ऑफ अ डायमीटर 40 सेंटीमीटर,
डायमीटर 40, तो रेडियस कितनी होगी भाई 20 होगी, लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। अब आपको सर्कल दिया गया है, रेडियस 20 होगी और लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 20 हियर। कॉर्ड क्या होती है, हम इसका डायग्राम बनाते हैं, देखो ये हमारा डायग्राम है, डायमीटर 40 था तो रेडियस कितनी होगी भाई 20 और 20। कॉर्ड का मतलब क्या होता है, जो कोई भी दो पॉइंट्स को जोड़ के बनाई जाती है, ये 20 होगी, तो ये तीनों साइड्स इक्वल होगी। नाउ व्हाट इज दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल कितने का होता है 60 डिग्री, तो थीटा मेरा 60 डिग्री हो गया, क्योंकि ये डिग्री है तो मुझे चाहिए रेडियन मैयर, तो इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कीजिए तो यू विल गेट हेयर पाई बाय 3 रेडियंस। ओके जी, तब उसके बाद आप लेंथ ऑफ माइनर आर्क, ये लेंथ है इसकी, ये वाली, दिस पोर्शन इज योर लेंथ, इसको आप निकाल सकते हो, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। ठीक है जी, एल मुझे चाहिए लेंथ ऑफ आर्क, ये जो एल है ये कोड की लेंथ नहीं, हमें आर्क की लेंथ चाहिए, आर्क की लेंथ होती है ये वाला पोर्शन, दिस पोर्शन इज कॉल्ड लेंथ ऑफ द आर्क, इसको हम एल से डिनोट करते हैं, दिस इज अवर कोड हेयर, रेडियस इज 20, तो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, एल का फार्मूला हो गया आर इंटू थीटा, आर मेरा कितना है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, थीटा मेरा पाई बाय 3, 60 को कन्वर्ट किया रेडियन मेयर में, यहाँ पे पाई बाय 180 कट के 3 बन गया, तो दिस इज लेंथ। ओके जी, एक क्वेश्चन और करा देता हूँ इसका, तो ये डायमीटर सर्कल वाला क्वेश्चन में थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर फार्मूला लगाना है। एक और क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन है इफ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ इन टू सर्कल सबटेंड एंगल 65 डिग्री एंड 180 डिग्री एट द सेंटर। दो सर्कल हैं, दोनों की आर्क की लेंथ सेम है, ये भी लेंथ सेम है, ये भी लेंथ सेम है, एक एंगल 65 का बनाती है सेंटर पे, दूसरा एंगल बनाती है 110 का, सॉरी ये 110 है। दो आर्क्स हैं दो सर्कल की जिनकी लेंथ सेम है L1 L2 क्योंकि, और उनकी आपने रेशियो ऑफ द रेडियाई निकालनी है, इसकी रेडियस R1 है इसकी रेडियस R2 है, तो दोनों के एंगल दिए हुए हैं, इसका एंगल आपका थीटा 1 हो गया 65 डिग्री। ठीक है जी, तो मैंने बताया हमें चाहिए रेडियन मेजर हमेशा, तो उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ठीक है कैंसिल आउट करके 5 के टेबल पे 13 पाई बाय 36 आ जाएगा। इसी तरह जब ये आ गया तो इसमें थीटा 1 का फार्मूला लगाइए L1 अपॉन R1, तो L1 की वैल्यू आ गई, लेंथ निकल के आ गई पहले सर्कल की, अब दूसरे सर्कल में हमारा एंगल 110 डिग्री है, तो उसको भी चेंज कीजिए रेडियन मेजर में पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर, तो थीटा 2 की वैल्यू, इसमें भी फार्मूला वही लगेगा L2 बाय R2, तो वहाँ से आपके पास L2 की वैल्यू ही आ गई। ठीक है जी, तो क्योंकि अब उस क्वेश्चन में बोला कि दोनों की लेंथ ऑफ आर्क सेम है, दोनों को बराबर कर दीजिए, इस और इसको बराबर करके एक तरफ आप R1 R2 इकट्ठा कर लीजिए, एक तरफ पाई वाले इकट्ठे कर लीजिए, तो पाई से पाई कट जाएगा, 36 से 36 कट जाएगा, तो 22/13 आ जाएगा, दिस इज द रेशियो ऑफ द रेडियाई। मतलब क्वेश्चन में दो चीज़ें दी गई हैं, दो एंगल दिए गए हैं, तो दो सर्कल बनाएंगे, और आर्क ऑफ सेम लेंथ का मतलब दोनों की लार्क निकाल के दोनों को बराबर कर दीजिए। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।